नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। इस ऑडियो पॉइंट में हम समझेंगे कि आदत मस्तिष्क की एक इच्छा होती है। हम जानेंगे कि नई आदतें कैसे विकसित की जाती हैं। दरअसल आदत इच्छा से बनती है, इसलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ आने के बाद नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाता है। यह बात 100 साल पहले जितनी सच थी, आज भी उतनी ही सच है। संसार में करोड़ों लोग केवल सिहरन महसूस करने के लिए हर रोज अपने दांत साफ करते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग अपने जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनमें जॉगिंग से होने वाले एंडोर्फिन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, उसके संसार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। तो आइए हम समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। इस ऑडियो पॉइंट को चार्ल्स डुहिक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट से लिया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस विभाग के प्रोफेसर वॉल्फ्रम सुल्ज की प्रयोगशाला अक्सर इतनी गंदी और अस्त व्यस्त रहती थी कि उनके सहकर्मी उनकी मेज को ब्लैक होल कहते थे, जिसमें कोई भी दस्तावेज हमेशा के लिए गुम हो सकता था। वे इसे ऐसी जगह मानते थे जहां तरह तरह के सूक्ष्म जीव सालों तक बिना किसी बाधा के बढ़ सकते थे। कभी कभार अगर गलती से सुल्ज को सफाई करने का मन भी हो जाए तो वे साबुन या स्प्रे वगैरह का उपयोग नहीं करते थे। वे तो बस पेपर टॉवल को पानी से भिगोकर मेज पर रगड़ देते थे। उनका ध्यान इस बात पर कभी जाता ही नहीं था कि उनके कपड़ों से सिगरेट की या उनकी पालतू बिल्ली की बदबू आ रही है। हो सकता है कि ऐसा इसलिए भी हो क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी। इसके बावजूद पिछले 20 सालों में सुल्ज ने क्रांतिकारी प्रयोग किए थे। इशारे, इनाम और आदतें कैसे काम करती हैं, यह जानने की प्रक्रिया में सुल्ज के प्रयोग विशेष महत्व रखते थे। सुल्ज ने ही हमें बताया कि कुछ विशेष इशारे और इनाम अधिक प्रभावी क्यों होते हैं। पेप्सोडेंट की वैश्विक सफलता के पीछे क्या कारण था, यह भी सुल्ज ने ही स्पष्ट किया। इसके साथ ही उनके प्रयोगों से यह भी समझ में आता है कि कैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने व्यायाम और खाने पीने की आदतों में बदलाव ले आते हैं। वे सुल्ज ही थे जिन्होंने फेब्रीज को बेचने का तरीका बताया। सन 1980 में सुल्ज बंदरों के दिमाग का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के एक समूह के सदस्य थे। इन बंदरों को लीवर खींचने और हुक खोलने जैसी कुछ विशेष क्रियाएं सिखाई गईं, और इन क्रियाओं के दौरान उनके दिमाग की जांच की गई। इन वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह जानना था कि जब हम नई क्रियाएं करते हैं तो इसके लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है। सुल्ज का जन्म जर्मनी में हुआ था। अंग्रेजी में बात करते समय उनकी आवाज मशहूर हॉलीवुड अभिनेता आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी लगती थी। सुल्ज के अनुसार, एक दिन मेरा ध्यान एक अनोखी चीज की ओर गया। हम जिन बंदरों का प्रयोग कर रहे थे उनमें से कुछ को सेब का रस पसंद था और कुछ को अंगूर का। इससे मेरे अंदर विचार उठा कि आखिर इन बंदरों के इस चुनाव के दौरान उनके दिमाग में क्या चलता होगा और अन्य अलग अलग इनाम उनके दिमाग पर अलग अलग प्रभाव क्यों डालते हैं। अनेकों प्रयोग करने के बाद आखिरकार सुल्ज ने यह पता लगा लिया कि इनाम न्यूरोकेमिकल स्तर पर कैसे काम करते हैं। सन 1990 में तकनीकी विकास के साथ ही सुल्ज के पास वे यंत्र भी आ गए जिनका उपयोग MIT के शोधकर्ता करते थे। लेकिन प्रयोग के लिए सुल्ज की दिलचस्पी चूहों के बजाय बंदरों में थी। उनके एक बंदर का नाम जूलियो था और वह मकाक प्रजाति का था। उसकी आंखें बादामी और वजन 8 पाउंड था। उसके दिमाग में एक बहुत ही पतला इलेक्ट्रोड डाल दिया गया जिसकी मदद से सुल्ज उसकी न्यूरोनल गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते थे। एक दिन सुल्ज ने जूलियो को एक ऐसे कमरे में ले गए जहां रोशनी कम थी। वहां उन्होंने जूलियो को कुर्सी पर बिठा दिया। जूलियो के सामने एक कंप्यूटर था जिसकी स्क्रीन पर जूलियो को पीली, लाल या नीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई गईं। यहां जूलियो को प्रशिक्षण दिया गया कि ये रंगीन रेखाएं देखते ही वह अपने सामने मौजूद लीवर को खींच दे। कमरे की छत से एक नली लटकाई गई थी जिसका दूसरा सिरा इस बंदर के होठों के पास था। लीवर खींचते ही इस नली से जामुन का रस बहकर आता था। जूलियो को जामुन का रस बहुत पसंद था। प्रयोग के शुरुआती दौर में जूलियो कंप्यूटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना सारा समय कुर्सी से उठने की छटपटाहट में ही खर्च कर दिया। लेकिन जामुन के रस की पहली खुराक मिलते ही जूलियो ने अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। इस क्रिया को दर्जनों बार दोहराने के बाद जूलियो समझ गया कि कंप्यूटर पर दिखाई जाने वाली रेखाएं दरअसल इशारा हैं।
और यह इशारा मिलते ही लीवर खींचने की क्रिया करने पर इनाम के रूप में जामुन का रस मिलता है। यह समझ में आते ही जूलियो एकाग्रचित होकर कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने लगा। इसके बाद उसका ध्यान एक पल के लिए भी दूसरी ओर नहीं भटका। स्क्रीन पर पीली रेखा दिखते ही वह लीवर की ओर छटपटाता था। फिर जैसे ही नीली रेखा स्क्रीन पर आती थी वह लीवर खींच देता और नली से जामुन का रस आने पर उसे बड़े चाव से चाटता रहता। सुल्ज जूलियो के दिमाग में हो रही इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि उनमें एक पैटर्न बन रहा है। इनाम मिलते ही जूलियो के दिमाग की गतिविधियों से पता चलता था कि उसे खुशी महसूस हो रही है। इस न्यूरोलॉजिकल गतिविधि के प्रतिलिपि यह दर्शा रही थी कि उस समय क्या होता है जब इंसान का दिमाग कहता है कि मुझे इनाम मिला। सुल्ज ने जूलियो के साथ यह प्रयोग कई बार दोहराया और हर बार उसकी न्यूरोलॉजिकल गतिविधियां दर्ज की। जूलियो को रस मिलते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई देता था कि उसके दिमाग में मुझे इनाम मिला है का पैटर्न उभरा है। न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो धीरे धीरे जूलियो का व्यवहार आदत में तब्दील हो गया था। सुल्ज के लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे यह प्रयोग आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इसमें बदलाव आ रहे थे। प्रयोग के बार बार दोहराने के चलते जूलियो इन क्रियाओं में माहिर होता जा रहा था, जिसके चलते इस व्यवहार से बनी उसकी आदतें दृढ़ होती जा रही थी। अब जूलियो का दिमाग जामुन के रस की उम्मीद करने लगा था। सुल्ज ने पाया कि नली में रस आने से पहले स्क्रीन पर रेखाओं को देखते ही जूलियो के दिमाग में मुझे इनाम मिला है का पैटर्न उभरने लगता है। अब जूलियो जामुन का रस मिलने से पहले ही इनाम प्राप्ति की प्रतिक्रिया देने लगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली रेखाएं न सिर्फ लीवर खींचने के लिए बल्कि जूलियो के दिमाग में आनंद का एहसास जगाने का इशारा भी बन गई। स्क्रीन पर पीली लाल रेखाएं दिखाई देते ही जूलियो इनाम की अपेक्षा करने लगता था। इसके बाद सुल्ज ने अपने प्रयोग में कुछ बदलाव किए। पहले लीवर खींचते ही जूलियो को रस मिल जाता था, लेकिन अब हर बार ऐसा नहीं होता था। कभी कभी रस जरा देर से आता और कभी उस रस में इतना पानी मिला होता कि उसकी मिठास कम होती। कई बार तो जूलियो पूरा प्रयोग ठीक से करता था, इसके बावजूद उसे रस नहीं दिया जाता था। जब रस बिल्कुल नहीं आता या देर से आता या फिर पानी मिला होने के कारण कम मीठा होता तो जूलियो नाराज हो जाता। वह मुंह फुलाकर अलग अलग तरह की आवाजें निकालता और अपनी नाराजगी जाहिर करता। इसके बाद सुल्ज ने पाया कि जूलियो के दिमाग में नए पैटर्न का निर्माण हो गया है और यह पैटर्न है इच्छा का। जब जूलियो रस की उम्मीद करता और उसे रस नहीं मिलता तो उसके दिमाग में इच्छा और निराशा से जुड़ा एक नया पैटर्न बनने लगता। इशारा नजर आते ही जूलियो के दिमाग में रस मिलने की अपेक्षा के कारण आनंद का संचार होने लगता। पर फिर जब रस नहीं मिलता तो यही आनंद इच्छा में तब्दील हो जाता और जब यह इच्छा शांत नहीं होती तो जूलियो के दिमाग में गुस्से और निराशा के भाव उभरने लगते। अन्य प्रयोगशालाओं में भी शोधकर्ताओं को ऐसे ही परिणाम मिले। बंदरों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया, जैसे ही उन्हें स्क्रीन पर रेखाएं दिखाई देती वे फौरन रस मिलने की उम्मीद करने लगते। फिर बंदरों का ध्यान बांटने की कोशिश की गई। जैसे प्रयोगशाला का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता था ताकि बंदर बाहर निकलकर अन्य बंदरों के साथ घुल मिल सके। प्रयोगशाला के किसी एक कोने में खाद्य पदार्थ रखे जाते थे ताकि अगर वे प्रयोग छोड़कर इधर उधर जाना चाहें तो जा सकें। जिन बंदरों में यह आदत दृढ़ता से विकसित नहीं हुई वे इन चीजों की ओर तुरंत आकर्षित हो जाते। ऐसे बंदर अपनी कुर्सी से उठकर कमरे के बाहर चले जाते और प्रयोगशाला की ओर एक बार मुड़कर भी नहीं देखते। उनमें रस प्राप्ति की इच्छा पैदा नहीं हुई थी। जिन बंदरों में यह आदत दृढ़ता से विकसित हो गई उन्हें कोई भी लालच दिया जाए वे उसकी ओर आकर्षित नहीं होते थे। ये बंदर घंटों तक एकाग्रता के साथ स्क्रीन की ओर देखते रहते और लीवर खींचते रहते। उन पर इनाम प्राप्ति की उम्मीद और इच्छा वैसे ही हावी थी जैसे किसी जुआरी पर पैसे हारने के बाद भी फिर से दांव लगाकर पैसे वापस जीतने की इच्छा हावी हो जाती है। सुल्ज कहते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता जो स्वादिष्ट डोनट्स का डब्बा नजर आने पर हमें खाने के लिए उकसाए, लेकिन जब हमारे दिमाग को यह पता चल जाता है कि इस डब्बे में कोई मीठी चीज या कार्बोहाइड्रेट वाली कोई अन्य चीज रखी है तो हमारे अंदर उसका मीठा स्वाद लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। हमारा दिमाग हमें डब्बे की ओर बढ़ाता है और अगर इसके बाद भी हम मीठा नहीं खाएं तो हमारे अंदर निराशा का भाव पैदा हो जाता है।
इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जूलियो का उदाहरण ले सकते हैं और यह देख सकते हैं कि उसके अंदर आदत कैसे विकसित हुई। सबसे पहले उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रेखाएं देखी, वहां से उसे इशारा मिला। कुछ समय बाद जूलियो को समझ में आया कि रेखाएं दिखने का अर्थ है कि उसे लीवर खींचना है, यानी कि एक इशारा और फिर नियमित क्रिया, इशारा नियमित क्रिया और फिर इनाम। यह क्रिया करने पर जूलियो को इनाम के रूप में जामुन के रस की कुछ बूंदें मिली। यह साधारण प्रशिक्षण था। इशारा नजर आने पर जब जूलियो के मन में जामुन का रस मिलने की इच्छा पैदा होती थी तो आदत विकसित होने लगती। एक बार इच्छा पैदा होने पर जूलियो स्वतः ही क्रिया करने लगता। यह आदत सहज और स्वचालित होती है। इसे समझने के लिए इशारा नियमित क्रिया और फिर इनाम और उसके बाद इनाम को पाने की आदत का फंदा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी आदतें हैं वो किस तरह से विकसित होती हैं। अब हम देखेंगे कि नई आदतें किस प्रकार से विकसित होती हैं। इशारा क्रिया और इनाम को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर ऐसी इच्छा पैदा होती है जिससे आदत का फंदा सक्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए धूम्रपान की आदत। धूम्रपान करने वाले इंसान को जैसे ही इशारा मिलता है, यानी जैसे ही उसे सिगरेट की डब्बी दिखाई देती है, उसका दिमाग निकोटीन की उम्मीद करने लगता है। सिगरेट पर सिर्फ एक नज़र पड़ते ही दिमाग में निकोटीन की इच्छा पैदा हो जाती है। अगर इसके बाद निकोटीन न मिले तो यह इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का हाथ स्वतः ही सिगरेट की ओर चला जाता है। इसी तरह ईमेल का उदाहरण ले लीजिए। जब आपका मोबाइल नया मैसेज मिलने से वाइब्रेट होता है तो आपका दिमाग क्षण भर में ही मन बहलाव की अपेक्षा करने लगता है जो नया ईमेल देखने से मिलता है। अगर यह अपेक्षा पूरा न हो तो यह इतनी बढ़ जाती है कि फिर लोग ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी मेज के नीचे छिपकर मोबाइल पर आए मैसेज चेक करने लगते हैं, भले ही उन्हें अच्छी तरह पता हो कि इन सारे मैसेज में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसे फौरन देखना जरूरी हो। वैज्ञानिकों ने शराब और धूम्रपान की लत के शिकार वे अत्यधिक खाने वालों के दिमाग की जांच में पाया कि जब उनके अंदर कोई इच्छा बहुत गहराई तक बैठ जाती है तो उनके दिमाग का स्वरूप और उसे न्यूरोकेमिकल्स में बदलाव आने लगता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के दो शोधकर्ता लिखते हैं कि हमारी कुछ शक्तिशाली आदतें व्यसनों जैसी प्रतिक्रिया पैदा करती हैं जिससे हमारी इच्छाएं जुनून की हद तक जाने वाली इच्छा में तब्दील हो जाती हैं। ऐसी इच्छा के कारण हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, यानी स्वतः ही क्रियाएं होने लगती हैं, भले ही इज्जत, नौकरी, घर और यहाँ तक कि कोई परिवार गंवाने की नौबत आ जाए, फिर भी ये इच्छाएं हम पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकती। आदत को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी किस इच्छा से कौन सा व्यवहार सक्रिय होता है। जिस तरह शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते करते लोग अनजाने में ही सिनबोर्न बेकरी के स्टॉल में घुस जाते हैं मानो उन्हें कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो, उसी तरह आप भी अपनी इच्छाओं के बारे में सजग ना होने पर अनायासी ऐसी चीजें करते हैं जो या तो आपके लिए हानिकारक हैं या गैर जरूरी हैं। आदतों के निर्माण में इच्छा का महत्व समझने के लिए व्यायाम की आदत विकसित होने की प्रक्रिया पर गौर करना जरूरी है। सन 2002 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जानना चाहते थे कि कुछ लोग आदतन व्यायाम कैसे करते हैं। इन शोधकर्ताओं ने ऐसे 266 लोगों का अध्ययन किया जिनमें से अधिकतर लोग सप्ताह में कम से कम 3 बार व्यायाम जरूर करते थे। इस अध्ययन से पता चला कि इनमें से कई लोगों ने बस मौज के लिए दौड़ना या वजन उठाना शुरू किया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ऑफिस और घर के काम निपटाने के बाद हर रोज खाली समय बच जाता था, इसलिए उस समय ये लोग व्यायाम करने लगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जीवन के तनाव से निपटने के लिए व्यायाम करने लगे और जब तनाव नहीं रहा तब भी उन्होंने व्यायाम की क्रियाएं जारी रखी जो धीरे धीरे एक आदत में तब्दील हो गई। व्यायाम की क्रिया जारी रखने के पीछे का कारण यह था कि इन लोगों में एक विशेष इनाम मिलने की इच्छा पैदा होने लगी थी। इनमें से 92% लोगों ने व्यायाम की आदत विकसित होने का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें व्यायाम करने से अच्छा महसूस होता है। दरअसल व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन और अन्य न्यूरोकेमिकल्स का संचार होता है और इन लोगों के अंदर इन न्यूरोकेमिकल्स के संचार की इच्छा पैदा होने लगती है। एक अन्य समूह के 67 लोगों ने बताया कि व्यायाम करने से उन्हें कोई उपलब्धि हासिल करने जैसा अनुभव होता है।
हर रोज कितना व्यायाम और उससे शरीर पर क्या फर्क नजर आया, इसका हिसाब रखने के कारण इन लोगों को नियमित रूप से उपलब्धि हासिल करने का अनुभव होता था। व्यायाम की क्रिया को आदत में तब्दील करने के लिए इतना इनाम काफी था। अगर आप हर रोज सुबह सुबह दौड़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो अपने लिए एक आसान इशारा और स्पष्ट इनाम निश्चित कर लें। जैसे इशारे के लिए आप नाश्ते के पहले ही अपने जूते पहन लीजिए, या फिर दौड़ने के लिए आप जो कपड़े पहनने वाले हैं उन्हें पहले ही बिस्तर पर निकाल कर रख लीजिए। वहीं इनाम के तौर पर आप दोपहर में अपनी पसंदीदा चीज खा सकते हैं, या यह हिसाब रखकर पूर्णता का एहसास कर सकते हैं कि आप कितने मील दौड़े। इसके अलावा दौड़ने से आपके शरीर में होने वाले एंडोर्फिन का संचार भी एक स्पष्ट इनाम ही है। लेकिन अनगिनत अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि आदत विकसित करने के लिए केवल इशारा और इनाम ही काफी नहीं है। कोई भी नियमित क्रिया आदत में तभी तब्दील होती है जब आपके दिमाग में इनाम हासिल करने की इच्छा जगती है। दौड़ने से शरीर में संचारित होने वाला एंडोर्फिन या संपूर्णता का अनुभव जब आपके दिमाग की इच्छा जगाता है, तब आप स्वतः ही दौड़ने के लिए जूते पहनने लगते हैं। इशारे से न केवल नियमित क्रिया बल्कि इनाम हासिल करने की इच्छा भी सक्रिय हो जाती है। जब न्यूरोलॉजिस्ट वॉल्फगांग सुल्ज ने यह बताया कि इच्छा कैसे पैदा होती है, तो उनसे पूछा, क्या मैं आपको अपनी एक समस्या बता सकता हूं? उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ बताओ। तब उन्हें बताया, मेरा 2 साल का बेटा है, जब मैं उसे खाने में चिकन नगेट्स या ऐसी कोई भी अन्य चीज खिलाता हूं तो अनजाने में मैं भी खुद भी वही सब खाने लगता हूं। यह मेरी आदत बन चुकी है जिसके चलते मेरा वजन बढ़ने लगा है। सुलझ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम सभी ऐसा करते हैं। सुलझ के 3 बच्चे हैं, हालांकि वे सभी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब वे छोटे थे तो सुलझ भी इसी तरह अनजाने में बच्चों के भोजन में कुछ निवाले खुद खा लेते थे। वे बताते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो प्रयोग के दौरान इस्तेमाल किए गए बंदरों में और हम में कुछ समानताएं हैं। जब भी हम चिकन या कोई तला हुआ खाद्य पदार्थ देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसे खाने की इच्छा जाग जाती है। भले ही हमें भूख न हो, फिर भी हम वह खाना चाहते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी इच्छा पैदा हो चुकी होती है। सच कहूं तो मुझे तले हुए खाद्य पदार्थ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और कुछ एक निवाले खा लेता हूं। ऐसी चीजें खाने से मेरे दिमाग की इच्छा तृप्त होती है और मेरे अंदर आनंद का संचार होने लगता है। यह सब थोड़ा अजीब है, लेकिन आदतें ऐसे ही काम करती हैं। सुलझ आगे बताते हैं कि इस मामले में मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण मैंने बहुत सी अच्छी आदतें भी विकसित की हैं। मैं कड़ी मेहनत करता हूं क्योंकि अपने शोध कार्य से मुझे गर्व महसूस होता है। मैं रोजाना व्यायाम करता हूं क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि मैं अपने लिए और बेहतर आदतों का चुनाव कर सकूं। आदतों में परिवर्तन कैसे आता है? दरअसल दुर्भाग्यवश आदतों में परिवर्तन लाने का ऐसा कोई सीधा रास्ता नहीं है जो हर किसी के काम आ सके। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे अपनाकर हर किसी को आदतें बदलने में सफलता हासिल हो सके। हम जानते हैं कि आदतों को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि पुरानी आदतों के स्थान पर नई आदतें विकसित करनी पड़ती हैं। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि आदत परिवर्तन का एक सुनहरा नियम होता है जो आदतों में परिवर्तन लाना आसान बना देता है। यह सुनहरा नियम है, आदत के फंदे के इशारे और इनाम समान रखते हुए नई क्रियाओं का समावेश किया जाए। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके लिए विश्वास भी जरूरी है। आदत में परिवर्तन लाने के लिए लोगों के अंदर यह विश्वास होना जरूरी है कि उनकी आदतों में परिवर्तन संभव है। आमतौर पर इंसान के अंदर यह विश्वास किसी समूह की मदद से ही पैदा होता है। जैसे अगर आप धूम्रपान की आदत छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए किसी ऐसी नई क्रिया का पता लगाना जरूरी है जिससे आपकी निकोटीन के सेवन की इच्छा तृप्त हो सके। इसके बाद एक सपोर्ट ग्रुप ढूंढें, यानी ऐसे लोगों का समूह जो पहले धूम्रपान करते थे पर अब इस लत से मुक्त हो चुके हैं। उनका समूह आपको यह विश्वास दिला सकता है कि आपके लिए निकोटीन से दूर रहना संभव है। जब भी आपको ऐसा लगे कि नई आदत विकसित करने की प्रक्रिया में आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं तो इस समूह की सहायता जरूर लें। इसी तरह अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी खानपान की आदतों पर बारीकी से गौर करें। जैसे आप हर रोज काम करते करते बीच में उठकर स्नैक्स खाने क्यों निकल पड़ते हैं?
साथ ही कोई इंसान ढूंढें जिससे आप कुछ देर तक गप्पे लड़ा सकें, ताकि फिर आप ब्रेक के दौरान कैंटीन में जाकर कुछ खाने के बजाय उस इंसान के पास जाएं और उससे यूं ही कुछ देर बातचीत करें। अगर आप यह सब नहीं कर सकते तो कोई ऐसा समूह ढूंढ सकते हैं जिसके सदस्यों का लक्ष्य भी वजन घटाना ही हो। अगर यह भी संभव नहीं है तो कम से कम कोई इंसान ढूंढें जो चिप्स या ऐसे ही अन्य स्नैक्स खाने के बजाय अपने बैग में फल वगैरह रखता हो। स्पष्ट है कि अगर आप अपनी आदतों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके विकल्प के रूप में आपको कोई क्रिया ढूंढनी होगी। अगर आप किसी समूह का हिस्सा बनकर ऐसा करेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आपके अंदर विश्वास होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और समूह का हिस्सा बनने से विश्वास बढ़ता है, फिर चाहे वह समूह अनगिनत लोगों का हो या फिर सिर्फ दो लोगों का। हम जानते हैं कि परिवर्तन संभव है। शराबी व्यक्ति अपनी लत से छुटकारा पा सकता है, धूम्रपान की लत से ग्रस्त व्यक्ति इससे मुक्त भी हो सकता है, निरंतर पराजित होने वाले लोग चैंपियन भी बन सकते हैं। आप अपनी नाखून चबाने की आदत से लेकर काम के समय ऑफिस में स्नैक्स खाने तक की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने बच्चों पर चिल्लाने, रात भर जागने, छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहने जैसी आदतों पर भी आसानी से काबू पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में पाया है कि अगर आदतों को बदलने की दिशा में सही कदम उठाया जाए तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी कंपनियां, संगठनों और समूहों की आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह ऑडियो पॉइंट आपको अपनी नई आदतों को बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको मेरे ऑडियो बुक की पॉइंट्स अच्छे लगते हैं और आप इसी तरह से इन ऑडियो की पॉइंट्स को सुनना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।